बॉलीवुड नॉवल में है ये दास्तां भारतीय हिंदी सिनेमा के गुजरे 80 और 90 के दशक की एक ऐसी गायिका की जिसने अपनी मधुर आवाज के सुरों से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाया। कैसे इस गायिका ने बाल अवस्था में संगीत की दुनिया में अपना पहला कदम रखकर तोड़ दिया था मशहूर लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी मंगेशकर बहनों का वो जादू जिससे लोग कभी निकल ही नहीं पा रहे थे। जादू है तेरा ही जादू जो मेरे 90 के दशक में कैसे ये खूबसूरत और मधुर आवाज वाली लड़की बन गई थी सुपर हिट संगीत की गारंटी। क्यों इस गायिका से अपनी फिल्म में गाने गवाने के लिए फिल्म की हीरोइनें करती थी फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से गुजारिश। और कैसे आगे चलकर ये गायिका बन गई 90 के दशक की सभी सुपरहिट अभिनेत्रियों की आवाज जिसको आज तक पूरी दुनिया में सुना जाता है। कैसे इस लड़की के माँ बाप ने इनको एक बड़ी सिंगर बनाने के लिए किया वो संघर्ष जिसकी वजह से आगे चलकर ये बनी भारतीय हिंदी सिनेमा की द क्वीन ऑफ प्लेबैक सिंगिंग की महारानी। कैसे इस गायिका ने गुस्से में स्टूडियो से भगा दिया था एक लड़के को और कैसे आगे चलकर भगाया गया वही लड़का बना भारतीय हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार। और क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी फिल्म थी जिसके गाने न गाने के लिए इन्होंने उस वक्त कर दिया था इनकार और कैसे वही फिल्म का संगीत बन गया था अवार्ड विनिंग संगीत जिसके लिए आज तक अफसोस मानती है ये गायिका। कैसे एक फिल्म के लिए इनकी आवाज में गाए गए गाने ने मचा दी थी पूरे हिंदुस्तान में खलबली जिसकी वजह से हिंदी सिनेमा और बड़े बड़े ज्ञानवादी लोगों के बीच छिड़ गई थी विरोध और आलोचना की आग जिसकी वजह से बदनाम हो गई थी ये सिंगर। कैसे इस गायिका को रेलवे स्टेशन पर मिले एक लड़के से हो गया था प्यार और कैसे उसी लड़के से शादी करके 28 सालों बहुत दूर ये रही। और कैसे अपने पति की गैर मौजूदगी में ये गायिका हो गई थी गैर मर्दों की तरफ प्यार के लिए आकर्षित। और दुनिया का वो कौन सा आतंकवादी था जिसने पूरी दुनिया के साथ अमेरिका को अपने आतंक से हिला कर रख दिया था वो आतंकवादी निकला इस गायिका की मधुर आवाज का प्रेमी। राजा को रानी से प्यार हो गया। और कैसे इस गायिका की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इनको दूसरी एक मशहूर सिंगर को कहना पड़ा नीच गिरी हुई महिला। और क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस गायिका के हर रोज लगभग 4 करोड़ 20 लाख जी हाँ 4 करोड़ 20 लाख गाने हर रोज सुने जाते हैं। दुनिया भर में इतनी मशहूर सबसे ज्यादा अवार्ड्स जीतने वाली सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में सुनी जाने वाली इस गायिका को वो कौन सी बीमारी हो गई जिसकी वजह से ये अब कभी भी सुन नहीं पाएंगी अपनी खुद की आवाज। कैसे एक हेडफोन ने बर्बाद कर दी इस महान गायिका की जिंदगी। मधुर आवाज वाली इस महान गायिका ने क्यों हिंदी से दूरी बना ली
क्यों इस गायिका को काम मिलना बंद हो गया, बताएंगे और भी बहुत कुछ इस खूबसूरत सरल साधारण सी गायिका के बारे में। सभी राज को जानने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे वीडियो के अंतिम सच तक। नमस्कार, प्रणाम और आभार। आज हम अपने शो में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे किरदार और कलाकार की जो लंबी मियाद के बाद इस दुनिया में आते हैं, जिनको कुदरत ने वो आवाज का ऐसा करिश्मा देकर इस दुनिया में भेजा जो सभी के लिए बेमिसाल है। यकीनी तौर पर ये गायिका बेमिसाल मेलोडी क्वीन है, जिसने बॉलीवुड में अपनी बेदाग आवाज से 80, 90 और 2000 के दशक में अपनी दीवानगी को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया था। ऐसे चुनिंदा फनकारों में नाम था इस शानदार और जबरदस्त गायिका का नाम, जिसे दुनिया ने जाना अलका याग्निक के नाम से। कौन थी अलका याग्निक, कैसे इनका भारतीय हिंदी सिनेमा की तरफ आना हुआ और कैसे इनको सामना करना पड़ा जिंदगी के उन उतार चढ़ाव का जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की, और इनके कुछ ऐसे तथ्य जो संगीत की दुनिया में अलका याग्निक की अहमियत को समझाते हैं, ये सब मैं आपको बताऊं। उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं अलका याग्निक के परिवार और पढ़ाई लिखाई के बारे में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवल के इस एपिसोड में। टिप टिप बरसा पानी, पानी आग। अलका याग्निक का जन्म 20 मार्च 1966 को कोलकाता में एक गुजराती साधारण परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम धर्मेंद्र शंकर है, जो सरकारी मुलाजिम थे, और इनकी माँ का नाम है शुभा, जो एक क्लासिकल सिंगर थी। अलका याग्निक ने अपनी स्कूलिंग कोलकाता के मॉडर्न हाई स्कूल से पूरी की थी। अलका याग्निक अपने घर में जब अपनी माँ को संगीत का रियाज करते हुए देखती थी, तो वो भी अपनी माँ के साथ बैठकर संगीत का रियाज करने की कोशिश करती थी, और यहीं से अलका याग्निक के अंदर संगीत के प्रति रुचि और कला दोनों आकर्षित करने लगी। अलका का संगीत के प्रति ये लगाव इतना ज्यादा हो गया कि ये मात्र 6 साल की बाल अवस्था में ही माँ की मदद से अलका ने ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता के लिए बच्चों के खास प्रोग्राम में गीत गाने शुरू कर दिए। और यही वो वक्त था जब इनकी माँ ने अपनी बेटी को एक बड़ी गायिका बनाने का दृढ़ निश्चय किया था। क्योंकि बहुत छोटी जी थी तब से इतना अच्छा गाती थी कि आई कुडन बिलीव कि बच्चा गा रहा। अलका जब मात्र 8 साल की थी, तो इनके माता पिता इनको गर्मियों सर्दियों की छुट्टी में मुंबई लेकर जाते थे, और यहाँ अलका का करियर बनाने की जद्दोजहद करते थे। उनको कई संगीत के महारथी के पास ले जाया करते थे और उनके ऑफिस और घर के खूब चक्कर लगाते थे। अलका के संघर्ष के इसी दौर में एक बार मशहूर फिल्म अभिनेता और निर्माता राज कपूर ने अलका को गाते हुए सुना। राज कपूर के हमको किसी ने भेजा था उनके फ्रेंड ने। इस छोटी सी लड़की की आवाज राज कपूर को बहुत पसंद आई। उन्होंने बिना देरी किए हुए इनको सीधे म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत के पास भेज दिया। लक्ष्मीकांत जी ने अलका को सुना और अलका की माँ से कहा कि अलका की आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन अभी इसकी उम्र बहुत छोटी है, तो इनसे अभी फिल्मों के गाने रिकॉर्ड कराना मुश्किल होगा। क्यों ना अलका याग्निक के थोड़े से समझदार होने का इंतजार किया जाए। लक्ष्मीकांत की बात इनकी माँ को सही लगी और वो अलका को वापस कोलकाता ले गई, जहां अलका ने अपनी पूरी मेहनत लगन संगीत के सुरों को सीखने में लगा दी। और फिर कुछ साल बीत जाने के बाद अलका को वो मौका मिला हिंदी सिनेमा में अपनी आवाज देने का। साल 1980 में आई फिल्म पायल की झनकार के एक गीत थिरकत अंग में गाने की कुछ लाइन गाने का मौका मिला। इस गीत में
अलका याग्निक की आवाज बेहद कम थी, लेकिन उनके हुनर को संगीतकार भांप गए और अगले साल 1981 में ही अलका को अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म लावारिस में उनको मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है गाना गाने को मिला, जिसे अलका ने अपनी आवाज में गाया और नतीजतन ये फिल्म के साथ साथ ये गाना भी सुपर डुपर हिट हो गया था। और अलका याग्निक की आवाज पूरे हिंदुस्तान में सुनी गई। इस गाने के लिए अलका को पहली बार में ही बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। इसके बाद अलका ने साल 1982 में हमारी बहू अलका में भी एक गाना गाने का मौका मिला। हालांकि इस गाने से अलका को कोई खास पहचान तो नहीं मिली, लेकिन अलका एक एक कदम आगे जरूर बढ़ रही थी। हम आपको यहाँ बता दें कि अलका अभी भी कोलकाता में ही रहती थी। वो बस अपने माता पिता के साथ जो गाने मिलते थे गाने के लिए उनको गाती और फिर वापस कोलकाता चली जाती थी, क्योंकि इस बीच अलका अपनी पढ़ाई भी करती थी। लेकिन जब ये 16 साल की हुई तो इनके पिता ने सरकारी नौकरी से समय से पहले ही रिटायरमेंट ले लिया और उसके बाद ये मुंबई आकर बस गए, जिसके बाद साल 1981 से लेकर साल 1987 तक अलका याग्निक ने लगभग 100 गाने गाए, लेकिन इनको अभी तक वो सफलता या फिर लोकप्रियता नहीं मिल रही थी जिसके लिए अलका और इनके माता पिता पूरी कोशिश कर रहे थे। अलका उस दौर में थी जब लता मंगेशकर और आशा भोसले दोनों बहनों का बॉलीवुड में दबदबा था। चारों तरफ इन दोनों के ही गाने बजते सुनाई देते थे। सभी म्यूजिक डायरेक्टर की पहली पसंद ये दोनों बहनें ही हुआ करती थीं और उस समय ये दोनों बहनों का डर कह सकते हैं या फिर आवाज का जादू, जिसकी वजह से फिल्म की अभिनेत्री और निर्माता कोई भी जोखिम नहीं उठाते थे। तो फिर ऐसे में अलका याग्निक जैसी नई गायिका का ऊपर आना बहुत ही मुश्किल था। अब आया वो साल जिसमें अलका याग्निक लता मंगेशकर और आशा भोसले की लोकप्रियता में सेंध लगाने वाली थी और वो मौका मिला इनको साल 1988 में जूही चावला और आमिर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक से। इस फिल्म में अलका ने दो गाने गाए और दोनों ही गानों ने रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की और इन्हीं दोनों गानों से अलका याग्निक को भी वो सफलता और लोकप्रियता मिली जिसके लिए इन्होंने इतने सालों तक संघर्ष किया था। और इन गानों की कामयाबी के साथ पहली बार अलका याग्निक का नाम भारतीय हिंदी सिनेमा में गूंज रहा था। अकेले इसी फिल्म से जुड़ा है वो किस्सा जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। दरअसल इस फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग के लिए अलका स्टूडियो आई थी। अलका जब अपने गाने रिकॉर्ड करने लगी तो वहीं बैठा एक लड़का उनको लगातार देख रहा था। ये देखकर अलका को अच्छा महसूस नहीं हुआ तो वो थोड़ा सा परेशान हो गई और उसी परेशानी में उन्होंने उस लड़के को स्टूडियो से बाहर कर दिया। गाने की रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद फिल्म प्रोड्यूसर नासिर हुसैन जी अलका को फिल्म की स्टार कास्ट से मिलवाना शुरू करते हैं, तो वो लड़का वहाँ पर भी था। पहचान कराने पर पता चला कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि फिल्म के हीरो आमिर खान ही थे। ऐ मेरे हम सफर एक जराए। सच पता चलने पर अलका को काफी अफसोस हुआ और उन्होंने हंसते हंसते आमिर को सॉरी बोलकर अपनी गलती मानी, जिसके बाद से आज तक आमिर और अलका दोस्त बने हुए हैं। पहली सफलता के बाद इसी साल 1988 में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की एक फिल्म आई तेजाब। तुम हो
इस फिल्म ने जहां माधुरी दीक्षित अनिल कपूर के करियर को ऊंची छलांग दी, बल्कि अलका याग्निक की जिंदगी को भी बदल कर रख दिया था। इस फिल्म में अलका ने एक गाना गाया जिसकी बदौलत अलका की पूरी जिंदगी ही बदल गई थी और इनको इस गाने के लिए अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल गया था। इस गाने की सफलता के बाद तो अलका याग्निक की तरक्की का ग्राफ बड़ी तेजी के साथ ऊपर गया और अब हर फिल्म का निर्माता निर्देशक इनसे अपनी फिल्म में गाना गवाना चाहता था। और अब हिंदी सिनेमा में लता मंगेशकर और आशा के बाद एक और आवाज गूंज उठी थी जिसके आगे इन दोनों बहनों का तिलिस्म भी कमजोर पड़ता नजर आ रहा था। अब अलका की मांग चारों तरफ इस कदर बढ़ी कि अलका ने साल 1989 में लगभग 34 फिल्मों और साल 1990 में लगभग 45 फिल्मों में गाने गाए। इसके बाद साल 1993 में आई सुभाष घई की फिल्म खलनायक और इस फिल्म में अलका ने ऐसा गाना गाया जिसकी वजह से अलका याग्निक को वो नाम और शोहरत मिली जिसके लिए इनको आज तक याद किया जाता है। दरअसल इस फिल्म को सफलता तो बेहिसाब मिली, लेकिन अलका के द्वारा गाए गए गाने चोली के पीछे क्या है को लेकर समाज और हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े लोगों में बहस छिड़ गई कि इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों के साथ इस गाने को समाज में क्यों परोसा गया। लोगों ने इस गाने को भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया और इसी सब के बीच अलका याग्निक को समाज का काफी विरोध और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और लोगों ने अलका याग्निक के इस गाने को लेकर सड़क पर खूब विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन इन सब के बावजूद ये गाना हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्नीस सौ 1993 में अलका याग्निक की गायकी को वो सम्मान नसीब हुआ जो यकीनी तौर पर हर सिंगर का सबसे बड़ा सपना होता है, जिसके लिए वो इतनी मेहनत करता है। साल 1993 में ही फिल्म हम है राही प्यार के एक गीत को अलका की आवाज में रिकॉर्ड किया गया। हालांकि फिल्म तो ठीक ठाक रही, लेकिन अलका को इस फिल्म के एक गाने के लिए उनको उनकी जिंदगी का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस राष्ट्रीय पुरस्कार से अलका और उनकी माँ को बहुत खुशी हुई, लेकिन दुख भी। दुख इसलिए क्योंकि ये सम्मान मिलने से पहले ही अलका के पिता का देहांत हो चुका था और उनके पिता ही थे जो पहले ही ये बोल गए थे कि अलका तुमको इस गाने के लिए एक दिन जरूर राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। उनकी बात सच साबित हुई थी, लेकिन इस खुशी को देखने के लिए अब वो जिंदा नहीं रहे थे। नब्बे के दशक के शुरुआती दिनों से ही अलका माधुरी दीक्षित, जूही चावला, करिश्मा कपूर, काजोल, रवीना टंडन जैसी सुपरहिट हीरोइनों की आवाज बन गई थी। उस समय शायद ही ऐसी कोई फिल्म बनती थी जिसमें अलका याग्निक की आवाज में संगीत ना हो, और यही वो वक्त था जब अलका याग्निक अपने करियर के सबसे ऊंचे पायदान पर थी और यही वो समय था जब फिल्म की हीरोइन फिल्म के निर्माता निर्देशक से गुजारिश करती थी कि उनकी फिल्म के लिए सिर्फ अलका याग्निक से ही गाने गवाए जाएं, जिसको फिल्म के निर्माता बड़ी खुशी के साथ पूरा करते थे क्योंकि वो भी जानते थे कि अलका अब फिल्म में सफल संगीत की गारंटी थी। और अलका इन सभी गानों की वजह से मेलोडी क्वीन और रोमांटिक गानों की रानी बन गई थी। अलका याग्निक ने 90 के दशक में उदित नारायण और कुमार शानू के साथ मिलकर हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक गाने दिए। जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या, घर के जिया, जिनको यकीनन आज तक
सदाबहार रोमांटिक गाने कहा जाता है। इसके बाद 1998 में काजोल, रानी मुखर्जी, शाहरुख खान, सलमान खान की एक्टिंग से सजी फिल्म कुछ कुछ होता है के टाइटल सॉन्ग के लिए अलका याग्निक को एक बार फिर से राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नब्बे का दशक एक तरह से अलका याग्निक के ही नाम रहा, लेकिन इनके इसी दशक में इनको एक ऐसी फिल्म के गाने रिकॉर्ड करने को मिलने वाले थे, लेकिन ये कर नहीं पाए और इनको उस बात का आज तक अफसोस है। दरअसल अलका याग्निक को एक अनजान नंबर से कॉल आया कि वो उनकी और कुमार शानू की आवाज में अपनी फिल्म के गाने सजाना चाहते हैं, लेकिन अलका को इस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लिहाजा अलका ने कुमार शानू से इस बारे में पूछा कि क्या आपके पास भी कोई ऐसा कॉल आया है, तो कुमार शानू ने कहा हाँ आया था लेकिन मैंने मना कर दिया है। लेकिन इनको फोन करने वाला ये लड़का कोई और नहीं था बल्कि वो थे AR रहमान। ये हसी वादियाँ, ये खुला आसमान, आ गए हम कहाँ हैं, जो अपने संगीत से सजी फिल्म रोजा के लिए इन दोनों से गाना गवाना चाहते थे। लेकिन कुछ समय बाद जब इस फिल्म के गाने अलका ने सुने तो उनको बहुत अफसोस हुआ। AR रहमान को उनके अच्छे संगीत के लिए इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जाने मन, तू ही मेरा दिल, तुझ बिन। इसके बाद इन्होंने सुभाष घई की ड्रीम फिल्म ताल के लिए अपनी आवाज में गाने गाए और इस फिल्म के एक गाने के लिए अलका को अपना तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। एक तरफ जहां इनकी सफलता सर चढ़कर बोल रही थी, तो ऐसे में इनका विवाद हो गया एक दूसरी मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल से, जो उस वक्त से लेकर आज तक खूब चर्चा में रहता है। दरअसल आमिर खान और माधुरी की एक फिल्म दिल रिलीज हुई थी। इस फिल्म में पहले अलका याग्निक की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए, लेकिन किन्हीं वजह से उन दोनों गानों को बाद में अनुराधा पौडवाल से गवा लिया गया। इस बात का पता चलने पर अलका याग्निक ने इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी से इतनी नाराज हो गई कि आनंद मिलन से उन्होंने दूरी बना ली और तकरीबन 2 साल इनके साथ कोई काम नहीं किया। अलका याग्निक ने दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि म्यूजिक इंडस्ट्री में नैतिकता और एकता नहीं है। उन्होंने कहा कि जो गाने मेरी आवाज में रिकॉर्ड हो चुके थे उनको अनुराधा पौडवाल को दोबारा अपनी आवाज में डब नहीं करना चाहिए था। अनुराधा पौडवाल के इस कदम से लगता है कि वो कितनी नीचे गिर चुकी है कि दूसरे सिंगर के गानों को अपनी आवाज में डब कर रही है। उनको अपने इस काम के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में। आइए अब बात करते हैं अलका याग्निक की निजी जीवन के बारे में और इनकी उस प्रेम कहानी के बारे में जिसके लिए इनको वो सब करना पड़ा जिसकी इन्होंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। अलका याग्निक ने दरअसल एक बिजनेसमैन नीरज कपूर से शादी की है और इन दोनों की प्रेम कहानी काफी दिलचस्प है। अलका याग्निक की नीरज से मुलाकात 1986 में दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर हुई थी। वो जब अपनी माँ के साथ कोलकाता से दिल्ली आई थी तो उस वक्त उनकी माँ की सहेली का एक भतीजा उनको वहाँ पर लेने आया था और इस लड़के का नाम था नीरज कपूर और यहाँ हुई ये मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गयी और उसके बाद इन दोनों के बीच मोहब्बत ने जन्म ले लिया। चुरा के दिल तेरा, चली मैं चली। करीब 2 साल तक मोहब्बत का ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद दोनों ने अपने अपने परिवार वालों को इस रिश्ते की जानकारी दी और शादी के बंधन में बंधने की बात कही। साजन,
लेकिन इन दोनों के इस रिश्ते में सबसे बड़ी रुकावट आई इन दोनों का अलग अलग शहरों में रहना। दरअसल नीरज कपूर मेघालय के शिलोंग में अपना व्यापार करते थे और अलका मुंबई में रहती थी और दोनों ही अपना अपना काम नहीं छोड़ सकते थे, लिहाजा दोनों ने अलग अलग रहने की बात को भी मंजूर कर लिया था। पेरेंट्स ने ये कहा कि ये शादी तो मुमकिन नहीं है, वो वहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगी, कैसे हो सकता है? पर हम लोगों ने जिद पकड़ ली कि हमें शादी करनी है तो एक दूसरे से ही करनी, वरना नहीं करनी। और साल 1989 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद नीरज कुछ समय के लिए मुंबई में आकर रहे और यहाँ अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन व्यापार नहीं चला और इनको भारी नुकसान हो गया, जिसके बाद नीरज ने वापस शिलोंग लौटने का फैसला किया। इसके बाद से लगभग 28 सालों से ये दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं। अलका याग्निक को पति से अलग रहना काफी खल रहा था। अलका हर मोड़ पर त्याग कर रही थी। शादी के बाद वो एक बेटी की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, करियर, सब कुछ अकेले ही निभा रही थी। पति पत्नी के बीच बनी ये दूरियां इनकी जिंदगी में तनाव और अकेलापन ले आई। हालात ये हो गए कि बीच में रिश्ते काफी खींचतान के बीच इन पति पत्नी का रिश्ता तलाक के दरवाजे तक जा पहुंचा। और इसी बीच अलका याग्निक का वो वक्त भी आ गया था जब वो पति की कमी के चलते दूसरे मर्दों की तरफ प्रेम के चलते आकर्षित होने लगी। अब तेरे दिल में हम आ गए। लेकिन बात अलका याग्निक के हाथ से बाहर निकलती उससे पहले ये संभल गए और पति से मनमुटाव खत्म करते हुए ये एक बार फिर से अपने पति से मिल गईं और अपनी शादी न तोड़ने का फैसला लिया। और अब ये दोनों एक खुशहाल वाली जिंदगी बिता रहे हैं। अलका याग्निक और नीरज कपूर एक बेटी सायशा के माता पिता हैं। सायशा की शादी साल 2018 में उनके प्रेमी अमित देसाई से हो गई है। इनकी बेटी का संगीत की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अलका याग्निक पिछले कई सालों से गाना नहीं गा रही हैं। इसके पीछे वो संगीत में हुए बदलाव को मानती हैं। अलका कहती हैं कि आज के संगीत में काफी फूहड़पन आ गया है। 90 के दशक में जो संगीत का निर्माण हुआ था उस संगीत का आज के संगीत से कोई मेल नहीं है, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुमार शानू, उदित नारायण, अलका याग्निक जैसे महान और प्रतिभाशाली गायकों को अब काम मिलना ही बंद हो गया है। दिल कहता है, चल उनसे मिल। अलका याग्निक की आवाज आज भले ही हम लोगों को सुनाई नहीं देती है, लेकिन एक समय वो भी था जब इनकी आवाज का जादू पूरी दुनिया पर चला था। दरअसल दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन, वो आतंकवादी अलका याग्निक के गाने सुना करता था। बताया जाता है कि जब ओसामा बिन लादेन की मौत हुई तब वो उसके ठिकाने से अलका याग्निक के गानों के म्यूजिक रिकॉर्ड्स मिले थे। इस आधार पर अंदाजा लगाया गया कि ओसामा बिन लादेन अलका याग्निक का बड़ा फैन था। तो ऐसी लोकप्रियता थी अलका याग्निक की, उनके संगीत की। अलका याग्निक ने लगभग हर भारतीय भाषा में अपनी आवाज दी है। अलका याग्निक ने 1000 हिंदी फिल्मों में लगभग 2600 गाने गाए हैं। अलका याग्निक लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार के बाद सबसे ज्यादा गाने वाली महिला गायक हैं। अलका का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। अलका पहली ऐसी भारतीय गायिका हैं जो लगातार 3 सालों तक टेलर स्विफ्ट, ड्रेक, बियॉन्से जैसे बड़े सिंगर्स को पीछे छोड़ते हुए साल 2020, 2021 और 2022 तक लगातार सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली गायिका बनी। एक
एक रिपोर्ट के मुताबिक और सर्वे के अनुसार साल 2002 में अलका के संगीत को लगभग 15.3 अरब बार सुना गया, यानी कि 4,20,00,000 बार प्रतिदिन के हिसाब से सुना गया, जो कि अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। अलका याग्निक ने कई म्यूजिक वीडियो, लाइव म्यूजिक शोज, म्यूजिक एल्बम के साथ भक्ति संगीत के भी गाने गाए हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण। भारतीय हिंदी सिनेमा में शायद ही ऐसा कोई कलाकार, निर्माता या फिर एक्टर रहा होगा जिसके साथ अलका याग्निक ने गाना नहीं गाया हो। अलका याग्निक नदीम श्रवण की जोड़ी के साथ मिलकर सबसे ज्यादा हिट और सुपरहिट गाने हिंदी सिनेमा को दिए। आपके प्यार में हम संवरने लगे देख। लेकिन दोस्तों, इसी साल 2024 के जून महीने में अलका याग्निक ने एक सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए अपने फैंस को वो जानकारी दी जिसकी खबर से पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री और दुनिया में खलबली मच गई। तो कुछ लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि अलका याग्निक के साथ ऐसा हुआ है। दरअसल अलका ने अपने पोस्ट में लिखा कि कुछ हफ्ते पहले एक फ्लाइट से वो उतरी तो उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इस घटना के कई दिनों बाद हिम्मत जुटाकर अपने दोस्तों और चाहने वालों को उन्होंने इस बारे में बताया कि मैं कहां गायब हूं। उन्होंने बताया कि उनको अब सुनाई नहीं देता है। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर अलका याग्निक इन दिनों एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रही हैं, जिसमें उन्हें सुनाई देना बंद हो गया है। उनके ऊपर एक वायरल अटैक हुआ है जिसमें डॉक्टर ने मेरे अंदर एक रेयर सेंसरी नर्व हेयरिंग लॉस डायग्रोज वायरस पाया है, जिसकी वजह से अलका को सुनाई देना बंद हो गया है और इसका इलाज किया जा रहा है। लेकिन अलका अपनी इस बीमारी से जीत पाएंगी या फिर नहीं, इसका अभी जवाब देना मुश्किल है। डॉक्टर्स ने बताया कि ज्यादा तेज आवाज और हमेशा हेडफोन के इस्तेमाल से भी इस बीमारी को जन्म मिल जाता है, इसलिए लोगों को इससे बचकर रहना चाहिए। अलका के इस पोस्ट के बाद तो हिंदी सिनेमा के कई और बड़े गायकों ने अपनी तुरंत प्रतिक्रिया दी और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। किस्मत का बड़ा अजीब खेल है कि जिस गायिका को सुनने के लिए लाखों करोड़ों लोग पागल रहते हैं, उनकी आवाज के दीवाने रहते हैं, वो गायिका खुद ही अपनी आवाज को अब नहीं सुन पाएंगी। दुर्भाग्य और किस्मत ने अलका याग्निक के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। अलका याग्निक न जाने अब इस बीमारी से उभर पाएंगी या नहीं। अब दिल कहीं लगता नहीं तेरे। अलका याग्निक का डॉक्टर की निगरानी में इलाज चल रहा है। बॉलीवुड नॉवल की पूरी टीम और मैं खुद अलका याग्निक के जल्द ठीक होने की कामना करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये महान गायिका बहुत जल्द फिर से अपनी मधुर आवाज के साथ अपने चाहने वालों के बीच आ जाएं। अलका याग्निक अब 58 साल की हो चली हैं। बीमार होने से पहले अलका अपने कई लाइव शो और रियलिटी शोज में बतौर जज देखी गईं। लता मंगेशकर के बाद सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली गायिका अलका 7 फिल्मफेयर अवार्ड, 2 नेशनल अवार्ड, 2 आईफा अवार्ड, 3 जी सिने अवार्ड, 4 स्टार स्क्रीन अवार्ड समेत ढेरों पुरस्कारों से सम्मानित की जा चुकी हैं। संगीत की दुनिया में उनके इस महान योगदान के लिए अलका याग्निक को आने वाली पीढ़ियां याद करती रहेंगी। अलका याग्निक 90 के उस दौर की गायिका हैं, जिसको आज तक सबसे ज्यादा सुना जाने वाला दौर माना जाता है। देखा है पहली बार साजन की आँखों में प्यार। दिन साल गुजरते चले गए, लेकिन इस समय में बना ये संगीत आज भी नई और पुरानी पीढ़ी दोनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और अलका याग्निक उस दौर की संगीत की रानी के तौर पर हमेशा जानी जाती रहेंगी। हमको तुम पे एतबार है, हमको तुम पे एतबार है। तो
दोस्तों, ये था हमारा आज का शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप सभी को क्या लगता है कि आज तक संगीत के सफर में सबसे अच्छा दौर कौन सा था? हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। आपको हमारा आज का ये शो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अलका याग्निक की लंबी उम्र और अच्छी सेहत की कामना करते हुए मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। आपसे फिर होगी बहुत जल्द एक मुलाकात एक महान हस्ती की जिंदगी को लेकर। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।